हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो सब तो चलिए शुरू करते हैं आर एस एम एस एस बी जूनियर इंजीनियर के प्रेपरेशन प्रीवियस इंजीनियर्स राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटेजी आपको मिलती जाए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी शो ये भी ंग का ही क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होगा मैं वेट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू बाउडिच रूल करेक्शन टू बाउडिच रूल क्या कहता है? टोटल फर्स्ट ऑप्शन है टोटल एरर इन डिपार्चर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइडेड ऑफ पेरीमी सेकेंड ऑप्शन है टोटल एरर नहीं है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट तो फर्स्ट क्या है आपको याद होना चाहिए जो टोटल एरर होगा ना वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर लेंथ जैसे टोटल पेरीमीटर है मान लो हंड्रेड मीटर तो अगर एक पर्टिकुलर सर्वे लाइन की ट्वेंटी मीटर की वन बाय फाइव सो टोटल जितना भी एरर होगा उसका वन बाय फाइव उस सर्वे लाइन में एडजस्ट हो जाएगा टोटल एरर इज एडजस्टेड इन द रेशो ऑफ देर लेंथ टू द टोटल पेरीमीटर दिस है ये आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी वन तो अब हमारा सर्वेइंग खत्म हो गया सर्वेइंग के दस क्वेश्चन हमने देख लिए. टेन क्वेश्चन आते हैं सर्विंग की अच्छी खासी भेटेज है एन एकट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल कैन बी पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया में एवरेज रेनफॉल हमें किससे पता लगता है तो एक है आइसोहाइटल मेथड तो दीज आर जो ये चारों मेथड है ना ये एवरेज रेनफॉल निकालने के हैं आइसोहाइटल है एरिथमेटिक मीन है थीसन पॉलिगन मेथड है नॉर्मल रेशियो मेथड है तो इनमें से जो सबसे एकट है वो कौन सा है जो सबसे एक्यूरेट मेथड है वो कौन सा है आंसर उसका करेक्ट आंसर है आइसोहाइटल मेथड आइसोहाइटल इज दोहाइट एक ऐसी लाइन है लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो कि इक्वल प्रेसिपिटेशन हो रही है उनको कनेक्ट करता है उसको हम आइसोहाइट कह देते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 72 टू लाइजीमीटर तो लाइजीमीटर इज यूज टू मेजर लाइजीमीटर किस चीज में काम आता है सो uh, so, इसका करेक्ट लाइजीमीटर का करेक्ट आंसर है इवेपो ट्रांसपीरेशन ऑप्शन इज फोर करेक्ट ये ध्यान रखना ये ऐसे जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है लाइजीमीटर क्या करता है तो आपको पता होना चाहिए इवेपो ट्रांसपीरेशन ई मेजर करता है ये ई ठीक है अच्छा आगे चलते हैं rain gauge? तो मैंने uh, rain gauges के बारे में भी आपको खासा बताया था, जो हमने हैं, जिसमें मैंने डिप्लोमा का पेपर डिस्कस किया था वो भी देख लेना जो ये देख रहे हैं पहली बार वो डिप्लोमा का पेपर दोबारा दोबारा देखते रहें, ऐसा नहीं है कि एक बार करने से याद हो जाता है मुझे नहीं याद होता यार एक बार करने से आपको बार बार पढ़ना पड़ता है बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है सेम क्वेश्चन के ना जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना इसमें जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं वो तो रहने दो बट जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको नोट डाउन किया करो या उनको टिक मार्क कर लो उनको नोट्स बना लो अलग से ताकि वो बार बार रिवाइज हो ठीक है तो रेन गेज के बारे और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ दे देता हूँ कहीं पे आपको लगता है कि कुछ वैसे आपको सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं बट फिर भी कुछ कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिल जाती है तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा होता है ये तो इसका करेक्ट आंसर है साइमंस रेन गेज ये मैंने आपको बताया था दो तरह के रेन गेज होते हैं दोबारा बता देता हूँ दो तरह के रेन गेज होते हैं एक होता है रिकॉर्डिंग एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में साइमंस रेन गेज होता है बाकी जो तीनों तरह के रेन गेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना जो तीनों ऑप्शन है फ्लोटिंग टाइप स्टीवन और टिपिंग ये तीनों रेन रेनगेजे रिकॉर्डिंग रेन रेनगेजेज हैं और जो डिप्लोमा वाले पेपर में जो क्वेश्चन आया था ना उसका आंसर टिपिंग बकेट था क्योंकि उसमें था कि वो हिली टेरेन में आ, कौन सा रेनगेजूज होता है तो हिली टेरेन में जो होता है है दैट इज टिपिंग बकेट टाइप ठीक चलो आगे देखते हैं, 74th देखते हैं हैं इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज तो ये हाइड्रोलॉजी का हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है तो ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर टू इक्वल टू और लेस देन इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इन्फिल्टन रेट ध्यान देना दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन रेट मान लो मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ वैसे जनरली आई से हम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल डिनोट करते हैं मान लो ये इनफिल्ट्रेशन रेट है दिस इज लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ठीक है लेस देन और इक्वल टू तो इसका ऑप्शन वन मत कर देना ये इक्वल टू भी हो सकती है ठीक है इन्फिल्ट्रेशन रेट और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है आपको क्लियरली इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए ठीक है समझ में आता है सबको मीनिंग इन्फिल्टन रेट और इन्फिल्टन का ओके okay. आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन करें यस अ कैचमेंट एरिया ऑफ एटी हेक्टेयर हैज रन ऑफ जीरो पॉइंट फाइव अस्टॉम ऑफ ड्यूरेशन लार्जर देन द टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द कैचमेंट एंड ऑफ इंटेंसिटी थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर पर आर क्रिएट्स पीक डिस्चार्ज ऑफ ए तो आंसर इज फोर मीटर के ऊपर सेकंड वेरी गुड तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये कैसे करते हैं इसको हमने क्या करना है क्यू इज इक्वल टू के आई ए खत्म हमेशा ध्यान में रखना आपको जो फाइनल डिस्चार्ज पूछा है ना वो मीटर के ऊपर सेकेंड में पूछा है ठीक है के क्या है K कितना है इस क्वेश्चन में जीरो पॉइंट फाइव है मल्टीप्लाइड क्या है इंटेंसिटी इंटेंसिटी है थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर पर आ रहा है तो इसलिए पहले तो उसको मीटर कर लो थ्री पॉइंट बाई लिया मीटर कर लिया और आर है ना तो आर को आप बना लो सेकेंड में तो तो सेक्टेयर है? है एक हेक्टेयर में होता है टेन टू मीटर स्क्वायर सो एटी इन टू टेन लिख लिया ऊपर तो ये बन गया मीटर क्यूब पर तो तो, तो तो इसको इसको आप आप सॉल्व सॉल्व करेंगे करेंगे जब फोर मीटर के ऊपर सेकंड हो गया तो इसलिए आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर इसका सेवेंटी फाइव का थ्री ही आएगा बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जवाब चलें आगे चलें अब हम आ गए हैं सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन पर सो सेवनटी सिक्स क्वेश्चन इज अनदर न्यूमेरिकल बहुत अच्छी बात है न्यूमेरिकल्स करो ट्वेल्व मीटर क्यू पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू अ थर्टी हेक्टेयर फील्ड फॉर फाइव आवर्स सॉइल प्रोबिंग आफ्टर इरीगेशन शोड दैट जीरो पॉइंट फोर मीटर ऑफ वाटर हैड बिन स्टोर्ड इन द रूट जोन वाटर एप्लीकेशन एफिशियसी इन दिस केस वुड बी सो so, आपको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी आपको वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है बहुत आसान है आपको क्या करना है देखो सबसे आपको ट्वेल्व मीटर के ऊपर सेकेंड डिस्चार्ज है ये फाइव आवर्स के लिए हुआ है तो इसका मतलब टोटल मीटर क्यूब निकाल लो कितना वॉल्यूम है और थर्टी हेक्टेयर से उसको डिवाइड कर दो तो आपको डेप्थ मिल जाएगी ठीक है जितनी डेप्थ मिल जाएगी और है कितनी डेप्थ पॉइंट फोर तो वहां से एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी कि कितना एक्चुअली अप्लाई हुआ चलो देखते हैं Uh, सबसे पहले टोटल डेल्टा निकालते हैं हम डेप्थ निकालते हैं कितना डेप्थ होगा आप देखेंगे ट्वेल्व मीटर के ऊपर सेकेंड है और ये फाइव आर्स के लिए लगाया मतलब फाइव इंटू सिक्सटी मिनट्स इंटू सिक्सटी सेकेंड्स सो ये हो गया टोटल मीटर क्यूब इसको जब आप डिवाइड करोगे थर्टी हेक्टेयर से यानी कि थर्टी इंटू टेन दोपहर फोर से तो ये क्या होगा हो जाएगा मीटर इतने मीटर आ गया इसको सॉल्व करना कितने मीटर आया ये अब डेल्टा कितना आ जाता है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो थर्टी टू कैंसल आउट होगा और इसको सॉल्व करें जीरो पॉइंट सेवन टू मीटर आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन टू मीटर ठीक है अब सॉयल जो कि एक्चुअली स्टोर हुई है वो कितनी है जीरो पॉइंट फोर मीटर तो इसका एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ गई ना एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब हमने अप्लाई किया था 0.72 मीटर और स्टोर हुआ सिर्फ 0.4 मीटर तो एफिशिएंसी कितनी हुई 0.4 बाय 0.72 इनटू 100 तो ये कितना आ जाता है ये आ जाता है 55.55 परसेंट .55%. ये आ गया 55.55 परसेंट .55%. तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन फोर हो गई करेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन देखते हैं दोस्तों ड्यूटी इज लार्जेस्ट ड्यूटी कहां पर लार्जेस्ट होती है ऑन द फील्ड एट द हेड ऑफ मेन कनाल सेम एट ऑल प्लेस नन ऑन द फील्ड ज्यादा होती है कि हेड ऑफ मेन कनाल पर ज्यादा होती है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो हम इसको समझते हैं देखो यहां पर मेरे पास मैंने मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं तो Uh, उनका कंफ्यूजन कैसे दूर करना है सुन लें इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं ऑन द फील्ड सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट यहां पर सबने वन बोला था ऑन द फील्ड एक दो को छोड़ के बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एट द हेड ऑफ मेन होना चाहिए उसका रीजन क्या है जब भी हम ड्यूटी देखते हैं ना ड्यूटी की डेफिनेशन याद करो ड्यूटी की डेफिनेशन होती है कि हाउ मच एरिया कैन बी इरीगेटेड बाय वन क्यूमेक बाय वन क्यूमेक डिस्चार्ज वन मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर आप वन मीटर के ऊपर सेकंड का डिस्चार्ज देते हैं तो आप कितना एरिया इरीगेट कर सकते हो अब मान लो कि आप वन मीटर के ऊपर का डिस्चार्ज दे रहे हो हेड हेड पर पर ऑफ मेन दे रहे हो. तो जब आप हेड पर दोगे ना तो आपने वन मीटर के ऊपर सेकेंड का दिया तो ये जब तक ये एरिया इरीगेट करना शुरू करेगा तब तक मेन कनाल को डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल में जाना है ब्रांचेस में जाना है और उसके बाद फील्ड आएगा तो तब तक लॉसेस बहुत हो जाएंगे लॉसेस बहुत तरह तरह के लॉसेस हो जाएंगे चैनल में से तो वन मीटर के ऊपर सेकेंड आपने हेड पर रखा था जब तक वो फील्ड तक पहुंचा तब तक डिस्चार्ज कम हो चुका होगा और इसीलिए अगर डिस्चार्ज कम हो गया तो ड्यूटी कम होगी इसीलिए यहां पर ड्यूटी जो है वो कम होती है जबकि अगर मैं फील्ड पर देखूंगा अगर मान लो आपने फील्ड पर वन मीटर के ऊपर सेकेंड सप्लाई कर दिया किसी तरीके से अब आपने मीटर के ऊपर सेकंड सप्लाई फील्ड पर कर दिया तो फील्ड पर तो डेफिनेटली यहां पर तो कोई लॉसेज नहीं है ना या लॉसेज हम कहें बहुत कम होंगे लॉस होगा बस तो इसलिए यहाँ पर ड्यूटी बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर एरिया ज्यादा होगा समझ गए ओके okay. तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑन द फील्ड राकेश पुनिया ने मुझे इसका आंसर टू बताया है राकेश पुनिया ने तो सेवेंटी एट का बता दिया है ओके ओके तो सेवनटी सेवन का आंसर वन होगा ये क्लियरली बताना चाहिए अब देखते हैं सेवनटी एट सेवनटी एट का देखते हैं लाइनिंग लाइनिंग ऑफ ऑफ चैनल चैनल सो द वाटर लॉगिंग डिक्रीजेज द वाटर लॉगिंग डज नॉट चेंज वाटर लॉगिंग नन तो सेवनटी एट का क्या है इसका आंसर है टू सो डिक्रीजेज द वॉटर लॉग्ड एरिया सो अगर आप लाइनिंग करते हैं केनाल की चैनल की जब आप लाइनिंग कर लेंगे तो इसका मतलब इनफिल्ट्रेशन लॉसेज कम हो गए है ना जो आपने चैनल को लाइनिंग कर दी है तो इनफिल्ट्रेशन लॉसेज आपने कम कर दिए अगर इनफिल्ट्रेशन लॉसेज आपने कम कर दिए हैं तो इसका मतलब वाटर लॉगिंग नहीं होगी वाटर लॉगिंग होती क्या है जब ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाता है ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नजदीक आ जाता है मतलब रूट डेप्थ ऑफ रूट जोन में रूट जोन में ही पानी आ जाता है एयर एंट्रेनमेंट नहीं रहती है पानी भर जाता है हर जगह तो अगर पानी भर जाएगा तो दैट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है हार्मफुल फॉर प्लांट्स तो हम चाहते हैं अगर लाइनिंग कर दी तो इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी इसीलिए वाटर लॉगिंग डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ओके तो ये बहुत स्टूडेंट्स ने करेक्ट दे दिया सिंपल क्वेश्चन था बट कंसेप्ट पता होना चाहिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी नाइन देख लेते हैं सो अनदर न्यूमेरिकल वी हैव व्हाट इज रिजीम्स रिजीम डेप्थ फॉर ए चैनल इन सॉइल विद सिल्ट फैक्टर के ऊपर थ्यूरी के अकॉर्डिंग हमें रिजीम स्कॉर डेप्थ निकालनी है ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलना लेसीज रिजीम थ्योरी का जो फॉर्मूले है वो याद रखने हैं खासकर रिजीम स्कॉडे का फॉर्मूला सो so इसकी जो थर्ड ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिसिंग हो गई है यहाँ से ले लेना थर्ड ऑप्शन है 5.4 मीटर है इसके थर्ड ऑप्शन जो रजीम स्कॉर डेप्थ है वो कितनी होती है वो होती है 1.35 पॉइंट थ्री फाइव क्यू स्क्वेयर बाई एफ रेज टू दार वन बाय थ्री फार्मूला याद होना चाहिए फार्मूला शायद आपने गलत लगा दिया 1.35 पॉइंट थ्री फाइव क्यू स्क्वायर बाई एफ रेज टू दार वन बाय थ्री तो अब f आपको पता है वन है f वन डाल दो और q आपको पता है q क्या है एट मीटर क्यूबर सेकेंड तो ये कितना हो गया वन पॉइंट थ्री फाइव मल्टीप्लाइड बाय अब एट है ना तो एट 8 फोर सिक्सटी फोर का वन बाय थ्री करो फोर हो गया सो फोर इंटू वन पॉइंट फाइव पॉइंट फोर मीटर करेक्ट आंसर फाइव पॉइंट फोर मीटर है आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है आप सीधा कर सकते हो सिक्सटी फोर का क्यूब रूट लोग होगा फोर सो वन पॉइंट थ्री फाइव इंटू फोर हो गया फाइव पॉइंट फोर मीटर ठीक ऑल राइट ये फॉर्मूला याद रखना बस रिजीम स्कोर डेप्थ का 1 Q2 by F, 1 by 3. इसका क्यूब रूट लेते हैं हैं फिर देखते क्वेश्चन नंबर एटी टू रिलीव वाटर लॉग लैंड द स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द वाटर लेवल डेप्थ ऑफ ड्रेन बिलो द ग्राउंड सरफेस डेप्थ ऑफ इम्परमियस impervious, impervious of of इम्परवियि क्या आंसर होगा तो इसका जो मैं समझा देता हूँ इसका देखिए होता क्या है सबसे पहले तो जो लैंड है ना वो वाटर लॉक्ड है मतलब पानी बहुत भरा हुआ है अब वाटर लॉकड लैंड की रिक्लेमेशन कैसे करते हैं मतलब उसको ठीक कैसे करते हैं सो वन ऑफ द मेजर इज कि हम टाइल ड्रेन्स लगाते है. हैं अगर टाइल ड्रेन होते क्या है इनको पाइप समझें आप इस तरह से पाइप है तो जैसे मान लो कि ये है ग्राउंड लेवल और ये है आ, मतलब जो जी डब्ल्यू टी है ग्राउंड वाटर टेबल वो बहुत ऊपर आ गया है तो हम क्या करते हैं कि हम ना डेप्थ ऑफ रूट जोन में आ चुका है मतलब ये मान लो डेप्थ ऑफ रूट जोन है ये यहाँ पर पानी यहां तक आ गया है मान लो पानी ये यहां से नहीं यहां तक आ गया है अब ये डेप्थ ऑफ रूट जोन में अगर वाटर इकट्ठा हो गया है तो अब आप क्या करेंगे कि आप डेप्थ ऑफ रूट जोन में ना यहाँ पर पाइपिंग लगा देंगे पाइप जिसको हम टाइल ड्रेन्स कहते हैं टाइल इसे कहते हैं क्योंकि ये पहले क्ले से बनता था टाइल्स क्ले से बनती होती थी तो ये टाइल ड्रेन्स यहां पर लगा दी फिर यहां पर लगा दी फिर यहां पर लगा दी टाइल ड्रेन फिर यहां पर लगा दी उससे क्या होगा कि जो पानी है ना वो नीचे चला जाएगा टाइल ड्रेन सो डेप्थ ऑफ रूट जोन में हम ड्रेन लगा देते हैं तो अब आप सोचो जितना ज्यादा परमिएबल सॉइल होगी परमिएबल जितनी ज्यादा सॉइल होगी उतनी हमें कम टाइल ड्रेन लगानी पड़ेंगी क्योंकि ऑलरेडी वो सॉइल क्या है कि बहुत ज़्यादा परमिएबल है तो पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा पानी निकल जाएगा ना मतलब वाटर लॉगिंग खत्म हो जाएगी तो इसीलिए आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो अगर कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ज़्यादा है अगर कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी ज़्यादा है मतलब सॉयल जल्दी से ड्रेन आउट हो जाएगा उसमें ड्रेनेज इमीजिएटली हो जाएगी इसलिए आप कम टाइल ड्रेन्स लगाना चाहोगे मतलब आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो सो स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन डी कॉफिशेंट परमेबिलिटी इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर सो ये सबको समझ में आ गया तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं सभी 80 क्वेश्चन मतलब आज के 20 क्वेश्चन देख चुका हूँ हम टिल 80 क्वेश्चन कर चुके हैं कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे सेम 12 बजे हम मिलेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करूंगा दो मैं बातें आपको अभी सजेस्ट करना चाहूंगा बिफोर एक्चुअली वाइंडिंग इट अप सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में देनी चाहिए कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज का ये लेक्चर सिक्स था अगर आपने इसको लेक्चर सिक्स को एक बार अटेंड कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक बार देखना है आप पॉज कर करके कर के मोबाइल में सभी क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो पॉज कर कर के कर लो पूरा पूरा मत सुनना चाहे पॉज कर कर के जल्दी से रिवाइज करते रहो जितनी बार रिवीजन इज द की टू गेन कॉम्पिटेंस आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है दूसरी बात जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तंगी आ रही है उनको ये लग रहा है कि सर हमने तो ये पढ़ाई नहीं हुआ कॉलेज के टाइम पे या भूल गए हैं पढ़ा था भूल गए अब मोटी मोटी बुक्स कैसे उठाएं तो मोटी मोटी बुक्स ना उठाएं उसके लिए ही सॉल्यूशन है मैं आपको सी आई जेड प्लस में हर सब्जेक्ट के बहुत क्रक्स मैनर में आपको एक आज जाकर आप एक होलसम डाइट कोर्स देख लो एक होलसम डाइट पैक पड़ा है सी आई जेड प्लस डॉट कॉम पर होलसम डाइट पैक जब आप देखोगे ना वहां पर हर सब्जेक्ट के पाँच से छह लेक्चर्स मिलेंगे आपको मतलब ऑलमोस्ट अभी थर्टी थर्टी फाइव परसेंट हमने उसको डाल दिया रोज डेली का डेली कुछ ना कुछ उसमें डाल रहे हैं तो होलसम डाइट पैक में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और क्विज भी मिलेंगे लेक्चर्स भी मिलेंगे ये कम्पलीट है आपको कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बस मेरे साथ तैयारी करते रहना सारा सब कुछ हो जाएगा ठीक है तो आपको इस तरीके से आपकी तैयारी हंड्रेड परसेंट हो जाएगी तो अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है होलसम डाइट पैक हमें इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है पिछले हमने दो दिनों में ही इसके कई स्टूडेंट्स ने इसको कोर्स को परचेज किया है क्योंकि अभी कॉस्ट हमने काफ़ी कम रखी हुई है काफी कम तो ये इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन लॉकडाउन पीरियड में टाइम को वेस्ट मत करो अभी कर लो ठीक है किसी को कोई डाउट आता है व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं खुद उस ग्रुप में हूँ एडमिन हूँ मैं उस ग्रुप का आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ओके ऑल द बेस्ट एंड बाय स्टे हेल्दी स्टे सेफ राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ टिप्स एंड ट्रिक्स स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए